हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ रीडिंग लेके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न साइंस की, सन मून राइजिंग वीनस। आप जो भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करती है बहुत ज़्यादा। आपका सन मून राइजिंग जो भी रेजोनेट करता है आपके साथ आप उसको देखिए। ये अगस्त 2020 की रीडिंग है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए। आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियल, आपकी स्टडी, जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आएगी मैं टैरो से देख के आपको बताऊंगी। ओके, सो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ठीक है। और अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे ये सिचुएशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप किसी और चैनल पे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की स्टोरी हो, लेकिन अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न का, जो भी आपका सन मून राइजिंग वीनस है आप देख सकते हैं, आपकी सिचुएशन बताएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो टॉरस, वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, लव और कैरियर और आपकी डेफिनेटली फाइनेंशियल रीडिंग और लव रीडिंग और आपकी हेल्थ रीडिंग देख लेते हैं इस मंथ क्या होगी अगस्त 2020 में। अगर आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं, सारे लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे तो मोस्ट वेलकम। तो ये आपके लव की रीडिंग होगी, या आपके लवर की फीलिंग्स, क्या एक्शन होगा और आउटकम इस मंथ में लव लाइफ में। फिर आपके हेल्थ और फाइनेंशियल देख लेते हैं यहाँ पे क्या चलेगा इस मंथ, ठीक है। और अगर मुझे दोबारा रीडिंग कुछ लेनी पड़ी तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप सबके सामने। तो लव की रीडिंग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। फोर ऑफ वॉन्स, तो हो सकता है आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैज, वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये साइन हो, लेकिन ये वाले साइन हो सकते हैं उनके। ओके, तो आपके सामने है आपकी जो फीलिंग्स हैं वो फोर ऑफ वॉन्ड्स है। आप शायद, आप में से काफ़ी सारे लोग अगर सिंगल हैं तो आप शादी के लिए रेडी हो, आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में प्रपोजल आ जाए, आपको कोई खुशी मिले, आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, अब आपका कोई घर हो, आपका कोई पार्टनर हो, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपको वो इंसान मिल जाए जो जिसकी आपकी शादी होगी या जिसके साथ आपका जोड़ बना है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, या आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं और आप चाहते हैं कि यही इंसान आपको प्रपोज करे, मतलब आप इस इंसान से लव करते हैं, तो ये आपकी फीलिंग होगी इस मंथ के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है आपको इस मंथ। हो सकता है किसी तरह की सेलिब्रेशन अटेंड करें, अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मिल सकते हैं इस मंथ में, किसी सेलिब्रेशन में या इवेंट पे आपकी मुलाकात किसी इंसान से हो सकती है जिसको आप लाइक करें। आपके घर प्रपोजल भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट प्रपोजल, नाइट ऑफ कप्स इज़ अ प्रपोजल, ठीक है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये आपके घर आ सकता है, या आप कहीं पे जाएं किसी इवेंट पे तो वहाँ पे किसी इंसान से मुलाकात हो सकती है, तो रिलेशनशिप की बात चल सकती है फैमिलीज़ में। नाइट ऑफ कप्स का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव भी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपको बहुत खुशी होगी अगर ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है इस मंथ इस इंसान की आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, जो इंसान आपसे प्यार करता है या जिसे आप प्यार करती हैं या करते हैं। और नाइट ऑफ कप्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स का, अगर आप मैरिड हैं तो आपका ये वाला मंथ काफ़ी रोमांटिक गुजरेगा अपने पार्टनर के साथ, लव लाइफ अच्छी गुजरेगी, फैमिली के ऊपर फोकस रहेगा, रोमांस के ऊपर फोकस रहेगा, आपके पार्टनर शायद किसी बाहर भी लेके जाएं आपको घूमने फिराने के लिए, ठीक है। किसी तरह का इवेंट भी हो सकता है जहाँ आप अटेंड करें, फेस्टिवल हो सकता है, शादी हो सकती है, या वैसे कोई इवेंट हो सकता है, सेरेमनी हो सकती है किसी तरह की, उसमें भी आप अटेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी। काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे इस मंथ आपके ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है टॉरस आप लोगों के लिए। हमारे पास है आपके पार्टनर की फीलिंग, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बहुत ही खुशी की न्यूज़ है कि आपका पार्टनर डेफिनेटली आ रहा है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने, विक्ट्री हासिल करने, आपको जीतने, इस प्रपोजल को लेके घोड़े पर सवार होके। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके शादी होने वाली है, आपके जो आपका दूल्हा है या आपकी वाइफ हैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एंटर होने वाले हैं इस मंथ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बहुत सारे लोगों के प्रपोजल आने के, शादी होने के, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप इंगेज्ड हैं, या आपके रिश्ते की बात पहले कहीं चली हुई है, या आप निकाहशुदा हैं, मतलब आपका किसी के साथ रिश्ता पक्का हुआ है, तो इस मंथ आप दोनों के चांसेस हैं शादी करने के, आपका दूल्हा आने के, उस पर घोड़े पर सवार होके। या अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोजल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आपको इस मंथ, या शायद एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा, एट ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका पार्टनर हो सकता है वो ऐसा इंसान जो इनको कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी पीछे, या वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको भूल नहीं सकते तो एक्शन लेंगे, या अगर आप हो सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद आपको ये चीज़ छोड़ के मूव ऑन करना पड़े या उनको छोड़ के मूव ऑन करना पड़े, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ है जो छोड़नी पड़ेगी इस इंसान को, या आपने,
या ये आपका एक्स भी हो सकता है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आप अभी बात में नहीं हैं, कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में नहीं चल रहा, एट ऑफ कप्स और एट ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सेपरेशन है, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ा है या फैमिली इश्यूज़ हैं, वो ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टनर का एक्शन एट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके इंसान को छोड़नी पड़ेगी, या उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए, सोचने के लिए। और एट ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है आप में से काफ़ी सारे लोगों को नज़र नहीं आ रहा ये प्रपोज़ल जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान या ये प्रपोज़ल आपकी तरफ आएगा, या शायद आपको यकीन नहीं है कि ये इंसान आपको प्रपोज़ करेगा, या आप में से काफ़ी सारे लोग उम्मीद खो चुके हैं कि आपकी कभी शादी भी होगी, या आपको कभी कोई अच्छा दूल्हा या लड़की भी मिलेगी या दुल्हन भी मिलेगी आपकी। तो ये उन लोगों के लिए है कि आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। फोर ऑफ वांड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप में से हो सकता है किसी लोगों को आपको पास्ट को छोड़ना पड़े इस लवर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने इस लाइफ पार्टनर को मिलने के लिए आपको डेफिनेटली कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या आपके पार्टनर को रिलीज़ करना पड़ेगा किसी चीज़ को आपके साथ रहने के लिए। तो देयर इज़ अ चैलेंज। ओके, तो अब आपकी हेल्थ और फाइनेंसिस देख लेते हैं। हाई प्रिस्टिस, फाइव ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ वांड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ दिमागी तौर पे कुछ बीमारियां लग रही हैं, हेडेक हो सकता है, टेंशन हो सकती है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। हाई प्रेस्टिस और फाइव ऑफ वांड्स, रात को सोने में भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, झगड़ों की वजह से, टेंशन की वजह से हो सकता है कुछ। फाइव ऑफ वांड्स का मतलब कुछ जब आप जो आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है, वहाँ पे कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो प्लीज़ उस अगर इस तरह का कोई आपके वर्क वाली प्लेस पे कोई इस तरह की कंडीशन हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, वहाँ पे चुप रहिएगा, उस झगड़े में इन्वॉल्व मत होइएगा, या किसी के साथ अगर कोई आपसे झगड़ा करना चाहे तो मत इन्वॉल्व होइएगा। आपने पेशेंस रखना है, टेम्परेंस लूज़ नहीं करना, टेम्पर को, एंगर को, या गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना इस मंथ आपने, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में है, चाहे वो लव में है, चाहे वो बिजनेस में है, या जॉब में है, या वर्क में है, आपने पेशेंट से काम रखना है इस झगड़े वाले में। फैमिली में भी कोई इशू हो सकता है तो प्लीज़ रिलैक्स रहना है, झगड़े में कोई नहीं आपने वो रहना, सही जब टाइम होगा उस वक्त आपने एक्शन लेना है, उस वक्त आपने पेशेंट्स होके रिलैक्स होके सोचना है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े हो सकते हैं, पैसे का झगड़ा हो सकता है, लोन का झगड़ा हो सकता है, फैमिली के कुछ मैटर हो सकते हैं, या पैसों को फाइनेंशियली कुछ इशू हो सकता है, आपको झगड़ा चल सकता है पैसों पर, या वर्क प्लेस पे पैसों को लेके कुछ झगड़ा चल सकता है, तो प्लीज़ रिलैक्स रहिएगा। आपने सिर्फ चुप रहना है इस कंडीशन में, ठीक है, जो भी इशू होने वाला है आपने रिलैक्स रहना है। और अगर आपको इस वक्त अभी जॉब नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस वक्त शायद आपका बुरा टाइम चल रहा है, या कंपटीशन चल रहा है फाइव ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ वांड्स। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है सीवी के लिए या जॉब के लिए तो वहाँ पे कंपटीशन है, थ्री ऑफ वांड्स, इंतज़ार कीजिए अपने चुनने का, लेकिन हो सकता है आपको चुन लिया जाए अगर आप पेशेंस रखेंगे तो। गिव अप नहीं करना, अप्लाई करते रहिए, आपको डेफिनेटली अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगी, जॉब मिलेगी, कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है इस मंथ के लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स, या फैमिली की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, या बिजनेस की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, मतलब प्रमोशन मिलेगी आपको, रिवार्ड मिलेगा, कुछ पैसे ज़रूर आएंगे आपको इस मंथ कहीं से भी। तो ये टॉरस की रीडिंग है आपके फाइनेंशियल। और अगर आपकी हेल्थ की देखा जाए, मैंने कहा ना कुछ टेंशन है, रिलैक्स रहिए। टेम्परेंस, आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, चाहे जितनी भी टेंशन हो माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना जो हालात हैं वो डेफिनेटली बिगड़ सकते हैं। फ्यूचर के बारे में परेशान है या फ्यूचर को लेके टेंशन है तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी है, होप है, प्रोग्रेस है, वर्क करना है, कंपटीशन है, आजकल हर जगह कंपटीशन है, गिव अप नहीं करना। अगर एक जगह पे कुछ आपको नहीं मिला है तो दूसरी जगह मिलेगा आपको, दूसरी जगह से कामयाबी मिलेगी, बट डोंट गिव अप, डोंट लूज होप। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है टॉरस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। वर्गो, वेलकम वर्गो, सन मून राइजिंग वीनस। तो देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में, अगस्त 2020 में, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ कपल में हैं, लव में हैं, मैरिड हैं, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल, अपने लव, अपने स्टडी और कैरियर को लेके, या रिलेशनशिप्स को लेके। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए, और हेल्थ को लेके वर्गोस के जो लोग हैं उनके लिए क्या होने वाला है इस मंथ में वर्गो के लिए। तो ये आपकी फीलिंग होगी इस मंथ, पार्टनर की फीलिंग, एक्शन और इस मंथ का आउटकम। अब आपके हेल्थ और फाइनेंसिस की रीडिंग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके जी,
तो स्टार्ट करते हैं आपकी लव्स की रीडिंग विरगो. सबसे पहले रिलेशनशिप्स की रीडिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो हो सकता है आप टॉरस, विरगो और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, वाटर साइन के साथ, फायर साइन के साथ. ठीक है, स्पेशली आप सैजिटेरियस या लिब्रा के साथ डील कर रहे होंगे या टॉरस के साथ. कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, लेकिन आपके फिक्स साइन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो. ठीक है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे, लिब्रा भी है. तो विरगो, आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है यहाँ पे इस मंथ के लिए. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा इस मंथ. ठीक है, मुझे यहाँ पे चेंजिंग नज़र आती होती भी नज़र आ रही हैं. आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस मंथ आपका जो है आपके घर के हालात हैं, अगर बहुत अरसे से ख़राब थे, अगर आप मैरिड हैं तो इस मंथ आपके घर के जो हालात हैं वो ठीक होंगे. कोई मसले हैं, झगड़े हैं, टेंशन है, वो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर आप लवर हैं, रिलेशनशिप में हैं, या आप सिंगल हैं, किसी का वेट है, तो ये आपके मंथ की फीलिंग होगी. किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आप खुद हैं विरगो, ये आपकी फीलिंग होगी. आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अब अपने ऊपर ज़्यादा फोकस होंगे इस मंथ के लिए, अपने वर्क पे, अपने कैरियर पे, अपनी स्टडी पे, अपनी हेल्थ पे. आपका फोकस अपने ड्रीम्स पे होगा, अपनी अचीवमेंट्स पे होगा. ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे और आपको फील होगा कि कुछ लक आपकी चेंज हो रही है. फाइनली आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, फाइनली आपकी लाइफ चेंज हो रही है, या आप चेंज हो रहे हैं, या आप डिसीजन लेने वाले हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है आप में से काफ़ी सारे लोग आप शायद रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए. किंग ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वांड्स मतलब आप शादी के लिए रेडी हैं, रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, या शायद आपका पार्टनर रेडी है अब. ठीक है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग है एट ऑफ कप्स. ये वो इंसान है जो शायद आपको छोड़ के गया था, या आप दोनों की सेपरेशन चल रही है इस वक्त, या आप दोनों के दरमियान में झगड़ा था. तो वो इश्यूज रिसॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस मंथ. फोर ऑफ वांड्स, हैप्पी यूनियन, ये बहुत ही हैप्पी कार्ड है. फैमिली का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, ये यूनियन का कार्ड है. अगर आपकी किसी के साथ सेपरेशन थी लवर के साथ, तो यूनियन होगी इस मंथ. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस पार्टनर के आपकी लाइफ में दोबारा आने के, यूनियन होने के. ठीक है, आप में से ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं विरगो, काफ़ी सारे लोगों के लिए. और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा खुशियों की बात करता है, लाइफ में चेंजिंग की बात करता है, घर के कुछ हालात ठीक होने की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है. या कुछ लोग इस मंथ हो सकता है घर को शिफ्ट करें, चेंज करें, कुछ घर में चेंजिंग हो सकती हैं. ठीक है, पुराने वाले घर को छोड़ के नए घर वाले घर में भी शिफ्ट होने वाले बहुत सारे लोग होंगे इस मंथ के लिए. तो काफ़ी चेंज आएगा अगर आप मैरिड हैं. और सिंगल हैं तो आपकी डेफिनेटली शादी हो सकती है इस मंथ, क्योंकि टाइम चेंज होने वाला है. किंग ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वांड्स, तो शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, निकाह हो सकता है किसी के साथ, आपका पार्टनर आ सकता है, या कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है. और अगर आपके ऑलरेडी किसी के साथ लव में हैं, तो वो इंसान वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, उसके साथ यूनियन हो सकती है. तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे. अब आपकी पूरे ओवरऑल मंथ की एनर्जी क्या बता रही है यहाँ पे? जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब दोनों मेजर अरकाना, ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग होगी विरगो, आप देख सकते हैं. तो ये ऐसा आपका टाइम आने वाला है, आपकी घड़ी आने वाली है, टाइम जो आपको चेंज कर देगा आपकी पूरी लाइफ को. आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके सब्र का फल मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपको आपके वेट का फल मिलेगा. आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ आ गई, वो घड़ी आ गई. अगर ये शादी का इंतज़ार था, तो शादी प्रपोज़ल हो गया, रिश्ते की बात चलेगी या तय होगा रिश्ता आपका, कहीं इंगेजमेंट होगी, शादी होगी, मंगनी होगी, या किसी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ रिश्ते की बात चल जाएगी. ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन होगी, या कोई आपको पसंद कर लेगा शादी में या किसी तरह के इवेंट में, वहाँ बात चल सकती है. और अगर आपको बहुत अरसे से वेट था मतलब अपने पार्टनर के साथ सेटल होने का, फाइनली आप एक घर, आपका आपकी वो विश पूरी हो जाएगी अगर आप मैरिड हैं तो. ठीक है, आपका घर चेंज हो जाएगा, आपको अपना घर मिलेगा, या आप अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन कर जाएंगी. अगर आपके पार्टनर की जॉब कहीं और है, तो आप वहीं शिफ्ट हो जाएंगी अपने पार्टनर के साथ. मतलब जिस भी तरह की भी घड़ी का या विश का या आपको जिस वक्त का इंतज़ार था, वो आ चुका है विरगो. अगर आप लड़के हैं या लड़कियां, औरत हैं या मर्द, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जस्टिस आपको मिलेगा. आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं प्रॉपर्टी का कोई मसला लड़ रहे थे, या फैमिलीज के कोई इश्यू चल रहे थे, उस लिहाज से भी जैसे कोई केस चल रहा होगा, ठीक है, तो वो भी आप विन करेंगे, आपकी फेवर में वो होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको जो है वो ये खुशी आपको मिलेगी, रिवार्ड आपको मिलेगा. ओके, तो अब हेल्थ और कैरियर का देख लेते हैं, आपके फाइनेंसिस का देख लेते हैं, जॉब का देख लेते हैं, यहाँ क्या चल रहा है. ओके, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं न्यू अपॉर्चुनिटी के, जॉब के, किसी नए आइडिया को हासिल करने के. नई एक शुरुआत होने वाली है, पैसा भी मिलने वाला है कहीं से, डेफिनेटली कुछ लाइफ का पहिया घूमने वाला है. एक ऐसी जॉब मिल जाएगी जिससे आपको बहुत अच्छी पगार मिलेगी, सैलरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस चलेगा, वर्क की ऑफर भी मिल सकती है, किसी के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकती है, प्रोजेक्ट भी किसी के साथ स्टार्ट हो सकता है, किसी के साथ वर्क करना भी आपको मिलेगा, दूसरे को वर्कर्स के साथ स्टार्ट करने का भी वर्क मिलेगा, सीखने का भी बहुत कुछ मौका मिलेगा आपको.
हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ये मंथ काफ़ी बिजी भी रहेगा। अगर आपकी इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, आपकी कोई जॉब नहीं है, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपने गिव अप नहीं करना, क्योंकि आपको डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी, आपको वो पोजीशन भी मिलेगी। अगर आपको किसी पोजीशन का वेट है, आपको सक्सेस चाहिए, तो डोंट गिव अप। फोर ऑफ सोर्ड्स, आपकी हेल्थ जो है इस मंथ काफ़ी अच्छी रहेगी, स्लीप भी अच्छी रहेगी, टेंशन नहीं लेनी अगर किसी तरह की टेंशन है भी सही तो, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं और हर कोई यही कहता है टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कुछ लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो आपने डेफिनेटली अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। अगर आपका टेंशन चल रही है या जॉब चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, कुछ भी है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ख्याल करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करेंगे जब आपको ये जॉब मिलेगी, या आप ऑलरेडी एक पोजीशन पे होंगे, या दूसरे लोगों के साथ जो वर्क करेंगे तो काफ़ी इंडिपेंडेंट आप फील करेंगे ऑलरेडी, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कुछ हो सकता है, कोई और इंसान आपका फ्रेंड या आपका कुछ इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके साथ आप कोलेबरेट करके आपको हेल्प मिल सकती है, या कोई आपको अच्छी तरीके से गाइड भी कर सकता है इस मंथ के लिए, ठीक है। तो उस किसी से हेल्प भी ले सकते हैं आप, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने डेफिनेटली स्ट्रगल, अगर आपकी स्ट्रगल चल रही है तो डेफिनेटली आपका स्ट्रगल टाइम ख़त्म होगा, आपको गिव अप नहीं करना है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो माय कैप्रिकॉर्न पीपल, तो सन मून राइजिंग वीनस जिनका भी कैप्रिकॉर्न में है, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, लवर्स हैं, तो सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को। लेट सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में और फाइनेंसेस और करियर में। ये टैरो रीडिंग है ऑब्वियसली, तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग क्या होंगी इस मंथ, लवर की फीलिंग, एक्शन, और वैसे क्या होगा लव में अगस्त में। अब आपके फाइनेंशियल और आपकी हेल्थ की रीडिंग देख लेते हैं, या स्टडी या जॉब की, कुछ भी। तो सबसे पहले लव को देखेंगे, यहाँ पे आपकी फीलिंग क्या चलेंगी। तो हो सकता है आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, वाटर साइन भी हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है, और अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। तो आपकी जो फीलिंग होगी इस मंथ के लिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफ़ी सारे कैप्रिकॉर्न इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपको जिस चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशन थी, वो पार्टनर आपका आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी दुखी आप हैं ऑलरेडी, और इस दुख से गुजरेंगे भी सही, क्योंकि आप जिसका आपको इंतज़ार है वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको तवज्जो नहीं दे रहा, या आप काफ़ी हर्ट हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर सिंगल हैं तो आप हर्ट होंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि पता नहीं कब आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आएगा, तो तभी जाके आप अपना हार्ट ओपन करेंगे किसी के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या आपकी लाइफ डिफ़िकल्टी है में है इस वक्त, या इस मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह की एनर्जी रहेगी कि आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे इमोशनली, ओके। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा सा दुख होगा कि आपका पार्टनर आपको टेंशन नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, या फोकस कहीं और है। अगर आप मैरिड हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका झगड़ा हो सकता है पार्टनर के साथ, बी केयरफुल, ठीक है। एक दूसरे की बात को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स होगी टू ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर ये पार्टनर आपको किसी का वेट है, तो वो आपको पार्टनर हो सकता है दूर से देख रहा है, या आप उनके माइंड में आप चल रहे हो, उनकी तवज्जो आपकी तरफ है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं, या बता नहीं पा रहे हैं, या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो आप दोनों का ही ऐसे लग रहा है कि वो आपको लाइक नहीं करते, और आपको लगता है वो आपको पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इस कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में हैं, ठीक है। दोनों के ही दिमाग में भी और दिल में भी चल रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, एक्सप्रेस कोई नहीं कर रहा, एक्शन कोई नहीं ले रहा। तो आपके पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ थ्री ऑफ कप्स है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ फ्रेंड हैं, फ्रेंडशिप है, या आपके साथ मतलब हो सकता है आप ऑनलाइन एक दूसरे के साथ फ्रेंड लिस्ट में हैं और समथिंग। थ्री ऑफ कप्स का मतलब यूनियन भी होता है, सेलिब्रेशन भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस मंथ के लिए कुछ लोगों के लिए कि आपकी रीयूनियन इस पार्टनर के साथ हो जाए, लेकिन और लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान स्टिल जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट होगा इस मंथ के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे, अपने कैरियर पे, ठीक है। तो उनके पास अभी शायद टाइम नहीं है, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। और अगर आप मैरिड भी हैं, तो हो सकता है इस मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना या फ्रेंड्स को मिलना हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर के जहाँ तक बात है, मुझे जैसे लग रहा है कि काफ़ी बिजी रहेंगे,
उनका फोकस अपने अपने वर्क पे होगा या सेविंग करने में भी हो सकता है, कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, पोजेसिव भी होंगे। अगर आपको मनी की ज़रूरत होगी तो हो सकता है आपको हर्ट हो, आप अपने पार्टनर से पैसे मांगें या मनी मांगें और वो आपसे कहें कि वो नहीं है, फजूल खर्ची नहीं करनी, या इस तरह का झगड़ा आप दोनों का इस पैसों के इशू पे चल सकता है। ठीक है, तो आपने एक दूसरे की बात को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आप मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और इश्यूज़ को समझना है बैठ के, रिलैक्स होके। और अगर आप एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हैं तो आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का फोकस ज़्यादातर अभी उनके फोकस उनका कैरियर और जॉब पे है, तो शायद उसकी वजह से आपको ये लगे कि पार्टनर आपको लाइक नहीं करते और उनको लगता है कि आप उनको लाइक नहीं करते, इस तरह की प्रॉब्लम चल सकती है। ठीक है, तो समझना है आपने, एक दूसरे को वेट करना है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस मंथ यूनियन होगी, थ्री ऑफ कप्स, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, सेलिब्रेशन हो सकती है, बातचीत चल सकती है, एक दूसरे को मिलेंगे भी सही हो सकता है, फ्रेंड्स की पार्टी में या वैसे पार्टी में कहीं एक दूसरे को मिलना हो सकता है आपका। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको वेट है किसी पार्टनर का जो आपकी लाइफ में आए, जो आपको सीरियसली कुछ ऑफ़र करे, क्योंकि आपको लगता है कि आप तंग आ चुके हैं किसी और के साथ डील कर करके, आपको लगता है कि अब आप सीरियस ही किसी के साथ सीरियस होंगे या जो आपके साथ सीरियस होगा। ठीक है, ये सिंगल लोगों का माइंड होगा इस मंथ के लिए। तो अब देख लेते हैं फाइनेंसेस और जॉब, करियर और हेल्थ की रीडिंग। लियो हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, फायर है, एयर भी आ गया, जैसे मैंने कहा एयर हो सकता है। तो इस मंथ जहाँ आपकी हेल्थ की बात है, क्योंकि टेंशन चलेगी ना, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम चल सकता है, इश्यूज चल सकते हैं पैसों को लेके, या एक दूसरे की बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब आपका झगड़ा हो या एक दूसरे के साथ गुस्से में हो या बात समझ ना रही हो, एट ऑफ कप्स, इसका मतलब एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी है, एक दूसरे को छोड़ दें उसी हाल पर, दोबारा बाद में आप सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दूसरे के दरमियान में। टेम्परेंस का ये भी मतलब है, अगर आपका अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा होता है तो रिलैक्स रहिए, एक बंदे को डेफिनेटली चुप रहना पड़ेगा वरना मसला और ज़्यादा बिगड़ सकता है, झगड़ा बहुत ज़्यादा इशू जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, रिलैक्स रहना है, कंट्रोल करना है अपने गुस्से को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, रिलैक्स रहना है बिल्कुल। और अगर आपके पार्टनर गुस्सा होते हैं तो उनको रिलैक्स करने की कोशिश करिए, कीजिएगा, ताकि गुस्से में कोई बात निकल ना जाए। हेल्थ की बात है, जहाँ तक स्ट्रेंथ और टेम्परेंस, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हेल्थ ठीक हो सकती है, प्रोग्रेस आपकी नज़र आएगी, आपको इस मंथ काफ़ी ज़्यादा चेंज भी नज़र आएगा आपकी हेल्थ में। लेकिन अगर आप टेंशन लेंगे तो, क्योंकि टेंशन फसाद की जड़ है, टेंशन हर प्रॉब्लम की जड़ है, तो हर बीमारी की जड़ है, टू ऑफ सोर्ड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन लेना पड़े, लेकिन रिलैक्स रहिएगा। ठीक है, और अगर हम आपके वर्क प्लेस और जॉब की जगह में अब मैं बात करूं, तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज चल सकते हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल रखिएगा अपने एंगर को, गुस्से को, बर्दाश्त कीजिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आपको लगता है आपको वो अच्छी जॉब नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि कहाँ कमी रह गई या क्या चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब आपको जो है वो अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छा पैसा मिलेगा। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा करेजस रहना पड़ेगा, अभी पेशेंट रहना पड़ेगा थोड़ा सा और, क्योंकि ये दोनों कार्ड पेशेंट्स के हैं, मेहनत करते रहिए, डोंट गिव अप, आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मेंटली कन्फ्लिक्टेड होंगे या डिसअपॉइंट्स होंगे इस मंथ, अगर आपकी जॉब नहीं है, और अगर ऑलरेडी जॉब है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल सकती है, बेहतरी इसी में है कि उस जगह से हट जाएं और वहाँ पे लड़ाई मत करें, गुस्सा मत करें। ठीक है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी प्रॉब्लम निकल सकती है। ठीक है, और स्ट्रेंथ और टेम्परेंस का ये भी मतलब है, आप में से अगर अपना वर्क, अपना कोई बिजनेस है या वर्क अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको प्रोग्रेस करने में, तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा स्लोली प्रोग्रेस होगा, लेकिन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप और कैप्रिकॉन की नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा, चाहे मेल्स हों या फीमेल्स, उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है फाइनेंशियल पे, इंडिपेंडेंस पे, कॉन्फिडेंट पे, तो वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ, कुछ लोगों को जल्दी, कुछ लोगों को थोड़े से देर के बाद, लेकिन डोंट गिव अप, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय गाइज़।